दिग्गज एक्टर अनु कपूर ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गए हैं। अनु कपूर से एक प्राइवेट बैंक का केवाईसी ठीक कराने के नाम पर डिटेल्स लेकर ठगों ने 4 लाख रुपए से ज्यादा का फ्रॉड कर दिया है। हालांकि अनु कपूर को अपने साथ इस फ्रॉड का समय रहते पता चल गया, जिसके तुरंत बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज की। पुलिस की तुरंत कार्रवाई की वजह से अनु कपूर को 3 लाख रुपए से ज्यादा पैसे वापस भी मिल गए। मुंबई के ओशिवारे पुलिस थाने के अधिकारी से जब इस मामले में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अनु कपूर को गुरुवार को एक व्यक्ति का कॉल आया जो खुद को बैंक का कर्मचारी बता रहा था, तो उसने केवाईसी के नाम पर अनु कपूर से उनकी बैंक डिटेल्स ली, फिर ओटीपी मांग लिया। ओटीपी शेयर करते ही अनु कपूर के अकाउंट से 4.5 लाख रुपए 2 अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। हालांकि बैंक ने उन्हें तुरंत कॉल करके बता दिया कि उनके अकाउंट के साथ कॉम्प्रोमाइज हो गया है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर्स ने आगे बताया कि कुछ देर बाद ही दोनों अकाउंट्स को इन बैंकों ने फ्रीज कर दिया, जिसके बाद अनु कपूर को 3 लाख रुपए वापस भी मिल गए। पुलिस ने इस मामले में इंडियन पीनल कोड की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के प्रोविजन के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि वो जल्द से ही इन ऑनलाइन फ्रॉड्स को पकड़ लेगी। अनु कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए से मुंबई पुलिस को इस मामले में तुरंत कार्रवाई करने के लिए आभार व्यक्त किया है। अनु ने पुलिस अधिकारियों को टैग करते हुए एक फोटो शेयर की और लिखा, मैं ओशिवारा पुलिस के साइबर क्राइम के खिलाफ तत्काल कार्रवाई को दिल से प्रसन्न।